हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ का गुस्सा थमा नहीं, अदालती फैसले के खिलाफ फिर भड़ास निकाली। कहा एहतसाब नहीं इंतकाम लिया जा रहा है। माइनस वन का मौका ना मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। डिक्टेटर से हल्फ लेने वाले सादिक और अमीन का फैसला कर रहे हैं। आईन और कानून के खिलाफ कोई काम किया ना करेंगे। मुल्क में अंधेरे फैलाने वालों का भी एहतसाब किया जाए। साबिक वजीर आजम का क्वेटा में जलसे से खिताब। नई सियासी चाल या फिर नवाज शरीफ ने पश्तूनख्वा, मिल्ली अवामी पार्टी और नून लीग को एक करार दे दिया। कहते हैं महमूद खान अचकजई से नजरियाती ताल्लुकात हैं, मिलकर आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे। साबिक वजीर आजम का आज़्म। नवाज शरीफ कप्तान पर खूब गर्जे बरसे, मुल्की तरक्की के कारनामे गिनवाए मगर खैबर पख्तूनख्वा को पहले से ज्यादा खराब करार दिया। बोले पख्तूनख्वा आज इसलिए वहां एक क्रिकेटर है। छोटे मियां के भी इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले, कहा कि ऑरेंज लाइन मंसूबे की राह में रोड़े अजीज साहब आवाम की तकलीफ के जिम्मेदार हैं। इसहाक डार के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा कि इसहाक डार नहीं हो सकते, तबियत खराब होने से कबल बाकायदा अदालत हाजिरी देते रहे। जड़ावाला में नून लीग के कारकुनों का तलाल चौधरी के खिलाफ सिनेमा चौक पर मुजाहिरा। तलाल चौधरी ने टॉक शोज और अजीजों को नवाजने के सिवा कुछ ना किया, मुजाहिरीन का इल्जाम। एमक्यूएम तकसीम दर तकसीम का शिकार, साबिक रहनुमा सलीम शहजाद का भी नई सियासी जमात बनाने और औरंगी टाउन से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 16 दिसंबर को जलसा करेंगे, कहते हैं चाइना कटिंग वाले शामिल नहीं होंगे। कराची पुलिस की काली भेड़ें बेनकाब, जाली असलाह लाइसेंस बनाने वाला 8 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। मुलजमान में सिंध पुलिस की शामिल, गैर कानूनी हथियार भी बरामद। पिशावर में जरई डायरेक्टोरेट पर हमले में दहशतगर्दों ने जो रिक्शा इस्तेमाल किया उसकी रजिस्ट्रेशन जाली निकली, चेसिस नंबर भी जाली निकला। पंजाब के इलाके सराय आलमगीर में वैन का सिलेंडर फट गया, 4 मुसाफिर झुलस कर जाम भाग।